हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप का बैंगन का भरता। जनरली हम भून के बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग से रेसिपी होगी, वो आप देखिए। उसका टेस्ट भी अलग होगा, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। सो बने रहिए हमारे साथ गाइस। इसके लिए लेनी है हमने एक प्याज, एक टमाटर, 4-5 कलियां लहसुन की और हरी मिर्च, और एक बड़ा सा बैंगन जो सिंगल आए, छोटे छोटे नहीं चाहिए, इसमें बड़ा सा बैंगन चाहिए। और इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम एक छोटी सी जाली, ये लोहे की जाली है, और इसको हम रखेंगे गैस के ऊपर और गैस को करेंगे ऑन। इसके ऊपर हम ऐसे जैसा प्याज है बस एज इट इज इसको रख देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर रखेंगे टमाटर, और यहाँ पर रख देंगे तीनों हरी मिर्च और रख देंगे लहसुन। इन तीनों को हमने, जैसे हम बैंगन भूनते हैं सेम वैसे ही हमने इन तीनों चारों चीजों को भूनना है। देखिए ये हल्का हल्का भून रहा है, लहसुन तो आई थिंक ऑलमोस्ट भून चुका है और हरी मिर्च भी, बस प्याज और टमाटर रह गए हैं। ये देखिए लहसुन हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, इसको हम अलग कर लेंगे, और हमारी मिर्चें भी भुन चुकी हैं, इनको भी हम हटा देंगे। अभी हमारी थोड़ी सी प्याज और टमाटर रह गए हैं। तो गाइस देखिए हमारे प्याज भी ऑलमोस्ट भुन चुकी है और टमाटर भी भुन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है बैंगन। बैंगन पे हम हल्का हल्का सरसों का तेल लगाएंगे। ये देखिए इससे क्या होगा कि जब ये भूनता है तो इसमें अंदर गैस बनती है, हवा वो निकलती है, तो एकदम से ये फटता है। तो उससे बचने के लिए हम इसमें हल्का हल्का सा तेल लगा देंगे, और इसको भी अब हम भूनने के लिए रख देंगे। तो बस जितनी देर में ये भूनता है तब तक हम ये मसाला बनाते हैं इसका। इसमें क्या करना है, हमने जो टमाटर है सबसे पहले टमाटर के ऊपर का ये छिलका उतार देना है, बड़ा इजीली उतर जाता है क्योंकि ये भून चुका है। तो पूरा टमाटर का हम छिलका उतार देंगे इसका। ये देखिए सारा उतारना है हमने इसका। ये देखिए सारा उतर गया है, और इसका प्याज का भी और लहसुन का भी, सबके हम इसके छिलके उतार देंगे। ये देखिएगा इस बड़े इजीली इस पर से कवर उतर गया है। देखिए बिल्कुल ऐसे उतरता है जैसे उबला हुआ आलू होता है ना, जब हम उसको बॉईल करते हैं और जब उसका छिलका उतारते हैं, बिल्कुल हाथ से इजीली उतर जाता है। अब हम इसको पीसेंगे नहीं, इसको हम कूटेंगे। तो ये देखिए ये है, इसके अंदर हम सारा ये डाल देंगे इसको। जितना भी हमने भूना था सब कुछ इसमें डाल देंगे। और ये देखिए इधर हमारा तब तक बैंगन भून रहा है, जितनी देर में ये बैंगन भूनता है उतनी देर में हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। बस इसको ऐसे कूटना है अच्छे से। देखिएगा जी मसाला तैयार हो गया। इसको हमने मिक्सी में इसलिए नहीं पीसा कि वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है तो वो टेस्ट नहीं आता है। इसमें हम थोड़ा मोटा मोटा इसको पीछे, देखें कितना अच्छा सा लग रहा है ये मसाला। और ये जो मोटा मोटा मसाला होता है ना, इसका तो स्वाद ही अलग होता है। बस अब हम इसको, ये हो चुका है, इसको हम निकालते हैं अलग से। देखिए गाइस ज्यादा बारीक भी नहीं किया है, जैसे हम काट के बनाते हैं, बस काटने की जगह हमने इसको भून के और इसको कूट दिया है। ये देखिए, और इधर हमारा भी बस बैंगन भी तैयार होने वाला है, भून चुका है ऑलमोस्ट। तो गाइस ये बैंगन भी हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है, बस अब हम इसको गैस को करेंगे बंद और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखिए ये भुन चुका है, अब इसके ऊपर से भी बड़ा इजीली निकल जाता है। ये देखिए कवर हम हटा देंगे इस पर से, पूरा इसको छिलके को हटाएंगे। तो ये भी अब हमने पूरा छील लिया है, और इसको भी हम कूटेंगे। ये देखिए ये इसके अंदर डालेंगे हम इसको, और इसको भी मैश करेंगे। तो गाइज ये भी कूट लिया है, हमारा मसाला भी तैयार है, बस अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का भी देखिए बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा इसका, आप देखते रहिए। बस लेंगे एक छोटी कढ़ाई, क्योंकि सब्जी थोड़ी है तो छोटी, गैस को करेंगे ऑन। और ये है लोहे की कढ़ाई,
सो गाइस, जनरली मैं सूखी सब्जियां जो भी होती है लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बनाने से क्या होता है, जो भी इसकी जो आयरन के जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी सब्जी में आ जाती है, तो हमें नेचुरल तरीके से आयरन मिलता है। तो जनरली कोशिश करिए कि सब्जी जब भी आप कढ़ाई में बनाएं तो लोहे की ही कढ़ाई में बनाएं। और लोहे की कढ़ाई में ये है कि जब भी आप इसको धोएं तो इस पर हल्का सा तेल लगा के रख दें, क्योंकि सूखने के बाद ये जंग पकड़ लेता है और ये ऊपर रेड रेड सारा जम जाता है। तो उससे बचने के लिए जब भी आप लोहे की कढ़ाई को धोएं, धोने के बाद उसको सुखा के हल्का सा सरसों का तेल या जो भी रिफाइंड ऑयल है उसको आप चारों तरफ से लगाइए, तो कभी भी कढ़ाई में आपके जंग नहीं लगेगी। और कोशिश करिए कि लोहे की कढ़ाई में ही आप बनाएं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि सूखी सब्जी हमेशा हर सरसों के तेल में बनाई जाती है। तो ये मैंने सरसों का तेल डाला, ये थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, हींग हमेशा हर सब्जी में डलती है, और थोड़ा सा जीरा। देखिए हींग जीरा भून चुका है। उसके बाद हम ये जो हमने मसाला पीसा था, आई थिंक कूटा था, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। इसको ज्यादा हमने भूनना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको भूना हुआ है। इसमें हम साथ के साथ ही जो हमने बैंगन पीसा था, कूटा था, वो भी हम साथ के साथ ही इसमें डाल देंगे। देखिए कितना इजीली बन गया, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। इन दोनों को हम एक साथ ही डाल देंगे। बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, क्योंकि हम इसमें हरा धनिया ज्यादा डालेंगे, तो हम हल्का सा फ्लेवर के लिए डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, और डालेंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक। देखिए बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। सो गाइज, आपने एक चीज नोटिस की कि इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है। आई थिंक मैं देखती थी जब मेरी दादी जी या मेरी मम्मा बनाते थे भरता, तो कभी वो हल्दी नहीं डालते थे। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि हल्दी क्यों नहीं डालते। कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन कभी मेरे को ध्यान नहीं रहा पूछना, बट वो कभी हल्दी नहीं डालते थे। कहते हैं ये भरते में कभी भी हल्दी नहीं डाली जाती, तो उनकी याद आई तो मैंने हल्दी नहीं डाली है, बट कोई ना कोई रीजन होगा। तो अब देखिए, अब हमारी ऑलमोस्ट ये बनने वाली है। भून चुका था, पहले भुना हुआ था, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। सो गाइस, देखिए ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको ज्यादा नहीं चलाना, बस इतना रहे कि जो इसके अंदर पानी साइड का वो सारा इसमें सूख जाए। बस अब हम करते हैं गैस को बंद, और इसके गार्निश के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। देखिए क्या मस्त भरता बना है। इसमें जो ये मसाला भून कर कूट कर डाला जाता है ना, उसका तो फ्लेवर ही अलग होता है। तो गाइस देखा कितना इजी था बनाना, बट इसमें ये था कि हमने जो चीज़ पहले भूनी है ना, तो उसका जो मसाला कूट कर डाला है, मिक्सी में नहीं पीसा है, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। वैसे तो पुराने टाइम में वो सिलबट्टे पर पीसते थे, लेकिन अब ये हमने इसी में पीसा है। और ये थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा रहता है, और जब इसको इसमें बनाओ तो बहुत ही अलग फ्लेवर आता है। आप जो बैंगन का भरता खाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट लगेगा ये आपको। आप एक बार बना के जरूर देखिए इसको। और इसमें जो गरम मसाला है वो भी हम घर में ही बनाते हैं, वही हम डालते हैं, तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो अगले उसमें हम आपको बताएंगे कि हम घर में गरम मसाला कैसे बनाते हैं, और वो जो गरम मसाला आप सब्जियों में डालोगे ना, वाकई में आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। सो गाइज, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ जरूर।